सच्चा प्यार किया था। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये दो लोगों में नहीं बढ़ते, इस पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये लाइन सही बैठती है दोस्तों इसीता रावत पर। कॉलेज में दिग्विजय और इसीता रावत के बीच 4-5 साल का रिलेशनशिप था। ये रिलेशनशिप ज्यादा नहीं टिकी, कॉलेज तक ही सीमित रही। कॉलेज के बाद दोनों ने मूव ऑन करने का सोचा। दिग्विजय जल्दी मूव ऑन हो गए इस रिलेशनशिप से और वो अपने करियर में फोकस करने लग गए। फिर उसके बाद वो रूडी जर्नी पे चले गए, पर इसीता मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे। जब दिग्विजय रूडी जर्नी पे चले गए उसके बाद इसीता ने सोशल मीडिया के माध्यम से दिग्विजय को बहुत ही सपोर्ट किया बैक से। दिग्विजय अपने इंटरव्यू में भी बोलते हैं, इसीता ने बहुत सपोर्ट किया, उसकी रिस्पेक्ट करता हूं मैं। रोडीज के बाद दोनों स्प्लिट्सविला में एक दूसरे के आमने सामने थे। आपने देखा ही होगा गाइज, इसीता की आंखों में दिग्विजय के लिए प्यार। लिटरली गाइज, दिग्विजय के ना चाहते हुए इसीता ने दिग्विजय के लिए बहुत सारा लव, प्यार और इमोशन दिखाया था स्प्लिट्सविला X5 में। ये दिल है मुश्किल में जैसे रणवीर कपूर अनुष्का शर्मा के लिए लड़ते हैं, वैसे इसीता रावत दिग्विजय के लिए लड़ती हुई दिखी स्प्लिट्सविला में। दिग्विजय करंटली बिग बॉस 18 के हाउस में है और इसीता रावत सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा सपोर्ट कर रहे हैं दिग्विजय राठी को। जहां उन्नति तोमर कहीं भी दिग्विजय का नाम लेते हुए नहीं दिखाई दे रही, वहीं इसीता रावत को नकारने के बाद भी स्प्लिट्सविला में इसीता रावत पीछे नहीं हट रही दिग्विजय के सपोर्ट में। एक तरफा प्यार इसी को तो कहते हैं दोस्तों। घर में चल रहे अनफेयर डिसीजन और ओमेन कार्ड के बारे में इसीता रावत ने कुछ एक लिखा है, आप भी स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस। इसीता ने कुछ ये लिखा है, द चुगली शो रख दो नाम, क्यों ही बुलाया है बाकियों को, अगर हर हफ्ते एक ही ग्रुप के एक्शन को जस्टिफाई करना है। सबको कॉल आउट कर दिया ओमेन कार्ड पे, पर जिसने एक्चुअल में यूज किया है उस पे क्या। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों बिग बॉस 18 में, कमेंट करके जरूर बताएं।